19 फरवरी को पूरा देश भारत के इतिहास के सबसे महानतम योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मना रहा है। तो इस अवसर पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ रूबरू करवाएंगे इस वीडियो में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज यानी 19 फरवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले तो वहीं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के जीवन पर उनके माता के संस्कारों का काफी प्रभाव था। उनकी प्रेरणा और शिक्षा ने उनको एक वीर कुशल एवं चतुर शासक बनाया था। उनकी सूझबूझ और कुशल रणनीति का मुगल भी लोहा मानते थे। इन्हीं गुणों के दम पर शिवाजी ने अपने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व बने जिनके विचार आने वाली नई पीढ़ियों को भी प्रेरित करेंगे। आज महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की 392 जयंती है, जिसे बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? तो शिवाजी महाराज का नाम शिवई के नाम पर रखा गया था। वह अपनी मराठा सेना के माध्यम से गुरिल्ला लड़ने की तकनीक पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। औरंगजेब के साथ उनकी लड़ाई जग जाहिर थी। उनकी महानता के किस्से जिसमें बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान की बाघ के पंजे से हत्या और फलों की टोकरी में जेल से उनके भागने की कहानियां बार बार सुनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था और आगे चलकर वह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम से लिया गया है, लेकिन दरअसल यह नाम एक अन्य क्षेत्रीय देवता शिवई के नाम से लिया गया है। शिवाजी एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में कुछ प्रमुख पदों पर मुसलमान भी कार्यरत थे। शिवाजी ने अपनी बेटी का विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से किया था जो मूलतः हिंदू नहीं था, पर बाद में उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। एक बार शिवाजी ने अपने से कई लंबे चौड़े और बलशाली सेनापति अफजल खान को आमने सामने के मुकाबले में भी हरा दिया था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या माउंटेन रैट या स्केप आर्टिस्ट के नाम से भी पुकारा जाता था। शिवाजी औरतों पर किसी भी तरह के अत्याचार के सख्त खिलाफ थे, फिर चाहे वो दुश्मन की ओर की औरतें ही क्यों ना हो। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में हुआ। यहीं पर उन्हें छत्रपति की उपाधि भी मिली। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। वे संख्या में कम होने के बावजूद अपनी गति के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देते थे। बता दें, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है और उनके योगदान के महत्व को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा नृत्य और नाटकों के रूप में याद किया जाता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात को औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 61 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी लाखों लोगों की मौजूदगी में किया। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी, ढोल और लेजर लाइट शो के साथ साथ लोगों ने अपने हाथ में भगवा झंडे को लेकर जय भवानी जय शिवाजी के नारे भी लगाए। आपको बताते चलें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा कही गई बातें आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और ईश्वर के आगे अपना सिर झुकाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि सिर्फ शक्ति होने से कोई शासक नहीं हो सकता है, उसके लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए देशित न्यूज़। धन्यवाद।